हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल ऑल ऑफ फाइन। आप सब लोग घर में अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज हम स्टैंडर्ड 3 का हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी प्रवेशिका में। ओके स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करेंगे पार्ट 16 का। पार्ट 16 का चित्र द्वारा सीखना, लर्निंग विद पिक्चर। तो फ्रेंड्स, आज हम चित्र देखकर ये सारी चीजों के नाम याद करेंगे। चलो स्टार्ट। एक, फल और फूल, फ्रूट्स एंड फ्लावर। ओके, पढ़ो और समझो। फ्रेंड्स, इसमें देखो हमको फ्रूट्स एंड फ्लावर्स दिए गए हैं, तो हमको सारे फ्रूट्स नेम और फ्लावर्स नेम लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आम, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है आम है। ये फलों का राजा होता है। कौन होता है ये? फलों का राजा कौन है? आम। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है आम। फिर देखिए ये क्या है? ये भी फल है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनानास। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अनानास। ये हमें खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, क्योंकि ये थोड़ा खट्टा खट्टा होता है और हम सब लोगों की ये बहुत पसंद होता है। आपको भी ये पसंद होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है? केला। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है केला। केला। नेक्स्ट देखिए ये क्या है? ये है गुलाब। गुलाब का फूल, जो हम सब लोग को मोस्ट ऑफली पसंद होता है। सभी लोगों को देखना, अधिकतर सभी लोगों को गुलाब का फूल बहुत पसंद होता है। क्यों? क्योंकि वह एकदम रेड कलर का होता है और बहुत मोहक होता है, जो हमें अपनी तरफ मोह लेता है। नेक्स्ट देखिए ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है तरबूज। क्या है स्टूडेंट्स? ये तरबूज। तरबूज ये देखो कैसा होता है। बाहर से तो हरे कलर का होता है, पर अंदर से कैसा होता है? अंदर से होता है लाल कलर का, और उसमें छोटे छोटे काले काले बीज भी होते हैं। नेक्स्ट देखिए कमल। ये क्या है? कमल। ये है कमल का फूल। ये भी सभी लोगों को बहुत पसंद होता है और ये गुलाबी कलर का होता है। नेक्स्ट देखिए ये क्या है? ये है अंगूर। अंगूर भी हमें खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अंगूर भी खट्टे मीठे होते हैं और हमें खट्टे मीठे अंगूर खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये थोड़े ग्रीन कलर के होते हैं। देखो हल्के ग्रीन है ये, ऐसे हल्के हल्के ग्रीन कलर के होते हैं। नेक्स्ट देखिए ये क्या है? ये है सूर्यमुखी। ये क्या है फ्रेंड्स? ये है सूर्यमुखी का फूल। सूर्यमुखी का देखो आजू बाजू में से कैसा होता है? येलो, और बीच में कैसा होता है? चॉकलेटी कलर का। ये भी सभी लोगों को बहुत पसंद होता है सूर्यमुखी का फूल, और इसकी ड्राइंग भी हम बहुत आसानी से एकदम इजीली तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये क्या है? ये है शरीफा। ये फ्रूट है। क्या है स्टूडेंट्स? ये फ्रूट। ये शरीफा भी खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। नेक्स्ट देखिए अनार। ये क्या है? अनार। अनार देखो बाहर से तो कितना कठोर दिखता है, बट इसके अंदर के बीज इतने ही स्वीट होते हैं, हम बहुत ही अच्छे लगते हैं, जो थोड़े थोड़े खट्टे और थोड़े मीठे से होते हैं। ये बीज और ये सब जो दाने होते हैं अनार के, ये हमारे शरीर को बहुत अच्छा रखते हैं। हमको पौष्टिक, ये एकदम पौष्टिक चीज होती है ये। इसके दाने हमें हमारी बॉडी को बहुत अच्छा रखते हैं। नेक्स्ट देखिए सेब। ये क्या है? सेब, एप्पल। सेब है। ये भी हम लोग कई लोगों को खाने में बहुत पसंद होते हैं, हमें भी बहुत पसंद है ना स्टूडेंट्स? आप लोगों को भी पसंद है सेब। सेब बाहर से तो रेड कलर का होता है, बट अंदर से कैसा होता है? अंदर से ये क्रीम कलर का होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए ये क्या है? ये है अमरूद। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है अमरूद। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है अमरूद। हम लोगों को अमरूद भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अमरूद भी एकदम थोड़ा खट्टे खट्टे जैसा होता है। फिर देखिए बेला। ये क्या है? बेला। ये देखो इसमें व्हाइट व्हाइट फूल आ रहे हैं, ये बेला है। ये हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं जब हम पेड़ पे देखते हैं। तो हमें क्या इच्छा होती है कि हम उस पेड़ पे से इन फूलों को तोड़ ले, बट हमें फूल तोड़ने नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए गेंदा। ये किस चीज का फूल है स्टूडेंट्स? ये है गेंदा। अधिकतर भगवानों को हम देखते हैं कि हम ये तो गुलाब का फूल चढ़ाते हैं या गेंदे का फूल चढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स ये भी कैसा होता है? ये भी थोड़ा ऑरेंज या
हल्का येलो कलर का होता है। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने आज जाना फल और फ्रूट्स के बारे में, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के बारे में। ओके, चलो इसकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए इसकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करते हैं, स्वाध्याय एक्सरसाइज। कोष्टक में से फलों और फूलों के नाम चुनकर चित्रों के नीचे लिखो। राइट द नेम ऑफ द फ्रूट्स एंड फ्लावर अंडर द पिक्चर फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ओके, चलो हम ब्रैकेट में देखते हैं हमको कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। अमरूद, बेला, सेब, सूर्यमुखी, आम, शरीफा, कमल, केला, गुलाब, अनानास, तरबूज और अनार। ओके फ्रेंड्स, इसमें इस बॉक्स में से हमको ढूंढकर ये सारी खाली जगह कंप्लीट करनी है। ऐसे तो हमें कंप्लीट की हुई है, बट आज हमारा ये रिवीजन है। ओके, देखिए इसमें ये क्या है, ये है शरीफा, हम लिखेंगे इधर शरीफा। फिर देखिए ये कौन सा फल है स्टूडेंट्स, ये है अमरूद, तो इधर लिखेंगे हम अमरूद। फिर देखिए नेक्स्ट फ्लावर कौन सा है, फूल कौन सा है, ये है सूर्यमुखी का फूल, तो इधर लिखेंगे हम सूर्यमुखी। ओके, नेक्स्ट देखिए ये किस चीज का, ये क्या है, ये है फ्रूट, कौन सा, ये है अनार, पोमोग्रेनेट, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पोमोग्रेनेट। ओके, बट हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हम अनार कहते हैं। ओके, देखिए ये कौन सा फल है स्टूडेंट्स, ये है केला। ये क्या है स्टूडेंट्स, केला, बहुत सारे लोगों को केला खाना भी बहुत अच्छा लगता है। फिर देखिए ये क्या है, ये है बेला, अभी हमने पढ़ा था बेला के बारे में, ये जो व्हाइट कलर के फूल है क्या है, बेला। ओके, फिर देखिए आगे ये कौन सा फल है स्टूडेंट्स, ये है आम। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है आम, तो इधर लिखेंगे हम आम। फिर देखिए ये वाला कौन सा फ्रूट है, ये है सेब, एप्पल, हम लिखेंगे इधर सेब। ओके, ये कौन सा फ्रूट है स्टूडेंट्स, ये है सेब। नेक्स्ट देखिए अनानास, ये कौन सा फ्रूट है, ये है अनानास, जो हमको खाने में बहुत ही पसंद आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए ये क्या है, गुलाब, तो ये गुलाब है, ये भी हमें बहुत अच्छा लगता है, तो इधर हम लिखेंगे गुलाब। फिर देखिए तरबूज, ये क्या है, तरबूज, तो हम लिखेंगे इधर तरबूज। ओके, नेक्स्ट देखिए कमल, ये क्या है, कमल है, हमें कमल भी बहुत अच्छा लगता है फूलों में। ये सारे आज हमने फ्रूट और फ्लावर्स के नेम पढ़े हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज आपने सारे फ्रूट और फ्लावर्स के नेम राइट किए एंड लर्न किए हैं। आज आपको होमवर्क में अपने नोट में एक तरफ सारे फूलों के नाम और एक तरफ सारे फलों के नाम आपको आपकी नोटबुक्स में लिखना है। ओके फ्रेंड्स, और एक बार पीछे वाले पेज में हम देख लेते हैं, इसमें भी कुछ साग सब्जी का नाम बताया गया है, वो हम एक बार सिर्फ पढ़ेंगे। ओके, समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, समझेंगे, आज हम सिर्फ पढ़ेंगे। ये क्या है, ये है टमाटर, ये है, ये क्या है फ्रेंड्स, ये है मेथी, और ये क्या है, ये है मटर, और ये क्या है, ये है बैंगन, ये क्या है फ्रेंड्स, ये है बैंगन, और ये क्या है, ये है भिंडी, क्या है स्टूडेंट्स, ये भिंडी, और ये क्या है, ये है मूली। फिर आगे देखिए ये क्या है, ये है तुरई, और ये क्या है, ये है कुम्बड़ा, क्या है स्टूडेंट्स, ये है कुम्बड़ा। फिर ये देखिए ये क्या है, ये है प्याज, क्या है स्टूडेंट्स, ये प्याज। फिर देखिए ये क्या है, ये है आलू। देखिए ये क्या है, ये है लौकी। फिर ये क्या है, ये है करेला। फिर ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है फूल गोभी। ओके, तो आपने सारे साग सब्जियों के नाम पढ़ लिए हैं, और आज आपको होमवर्क में सारे फलों के नाम, सारे फूलों के नाम और सारी सब्जियों के नाम आज आपको आपके नोटबुक्स में लिखना है। और अभी जो जितने सारे मैंने नाम आपको लिखाए हैं, याद कराए हैं, वो आपको होमवर्क में भी याद भी करना है। कितने टाइम्स, 5 times याद करना है, एंड टू टाइम्स अपने नोटबुक्स में सारे नेम राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सारे फल, फूल और सब्जी, ओके, फ्रूट्स, फ्लावर एंड वेजिटेबल्स। ओके, और एक्सरसाइज भी उसके फ्रूट और फल जो एक्सरसाइज है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की, वो भी आप लोग कंप्लीट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।